तमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। छोटे भाई की आज रिहाई हो गई है, क्या कहेंगे? सत्य की जीत हुई, इनको झूठा मुकदमा में फंसाया गया था और न्यायालय से हम लोगों की उम्मीद थी कि न्याय मिलेगी और न्यायालय ने है न्याय की और ये बाहर आए। समर्थकों में किस तरह का उत्साह है आज भी इसका बाहर आए हैं? बहुत काफी उत्साह है, आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना उत्साह है। इतनी भीषण गर्मियों में भी इतने लोग को जुटना, ये तो प्यार और मोहब्बत ही दर्शाता है। छपरा से लेके यहाँ गैरपुर तक रास्ते में कई जगह रुके आप महिलाओं ने उन्होंने स्वागत किया, लग रहा है कि आने वाले विधानसभा का भी आवाज अब शुरू है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बीते दिन एक तस्वीर सामने आई, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने, मुलाकात करने आप पहुंचे थे, मुबारकबाद, ये क्या कुछ बात हुई, रणनीति कुछ क्या कुछ तय किया गया? हाँ, उनसे बातचीत हुई है और व्यक्तिगत बात हुई है। अभी अगर किसी को, मुसलमानों को अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो वो चिराग पासवान में है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2005 का ही घटना ले लीजिए कि उन्होंने एक मांग की थी, 29 सीट आने के बाद उन्होंने मांग की थी कि बिहार के मुसलमान का एक मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी सरकार थी, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, तो सरकार बनने नहीं दिया एक मुख्यमंत्री के, जो रामविलास ने पहल किया था कि एक मुख्यमंत्री मुसलमान मुख्यमंत्री हो। तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि ये लोगों को गवारा नहीं था और उनकी पार्टी को तोड़ भंग करके दूसरा चुनाव कराया गया। मीडिया कर्मी आप लोग तो बेहतर जानते हैं। दूसरा, रामविलास जी जब गोधरा कांड हुआ था, तो पहले मंत्री थे कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जाके गुजरात बैठ के धरना और प्रदर्शन किया और मुसलमानों के लिए। तीसरा, बॉम्बे का एक हज कमेटी प्राइवेट बन रही थी, उस समय रामविलास जी रेल मंत्री थे, लोगों ने कहा कि, तो उन्होंने जीएम से कहा कि ये साइन कर दो, तो कहा सर मेरी नौकरी की सवाल है, आप साइन कर दीजिएगा तो हम कर देंगे। तो उन्होंने पहला साइन किया और हज कमेटी बॉम्बे में बनी, रेलवे एनओसी दिया। तीसरा, हाजी मलंग में देखिएगा, उसमें महाराष्ट्र सरकार जो है निर्माण रोक दिया था, मरम्मत रोक दिया था, तो रामविलास पासवान ही वहां जाके उस कार्य को कराने के लिए है और कराए। क्या ये माना जाए कि खान ब्रदर्स की प्लानिंग जो है वो लोजपा रामविलास में होने जा रही है? निश्चित, जो हमारे कौम की इज्जत दे, जो मेरे कौम के साथ कदम से कदम मिला के चले, तो मैं उसकी इज्जत दूंगा। लेकिन कुछ दिन पहले चर्चा थी लोकसभा चुनाव में कि रईस खान आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो जेल में थे, टिकट नहीं मिला, क्या कारण रहा? लेकिन चर्चा ये खूब हो रही थी कि जेल से रिहाई के बाद आरजेडी ज्वाइन करेंगे, आखिर भाजपा की तरफ कैसे मिला? ये अफवाहें हैं, अफवाहें तो फैलती रहती है।
सिवान लोकसभा का चुनाव था और बिल्कुल खामोश थे आप, साइलेंट मोड में थे, आखिर एक बात बताइए आप लोग, जब रईस खान चुनाव लड़े एमएलसी का तो सारे लोग विरोध किए और हम लोग भी विरोध करते, तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाता? विरोध आपने नहीं किया, चुनाव फिर भी हार गए। हारने का कई का एक कारण है, कि आप अपने समुदाय के लोगों को अहमियत नहीं दिए। हम मुसलमान किसी की बाप की जागीर नहीं है, सिवान की मुसलमान किसी की बाप की जागीर नहीं है। आप अहमियत नहीं दिए। मैंने सुना कि आप उस बस्ती में जाती थी, मुसलमान माला और फूल लेके खड़ा है, आप उनके दरवाजे पर रुकना पसंद नहीं करती थी, जाके अलग किसी के यहाँ रुकती थी, ना बैकवर्ड के यहाँ रुकती थी, ना दलित के यहाँ रुकती थी। ये तो रोष था ही ना सब लोगों को, ये सब आप नेता किसी एक जाति के नहीं बन सकते, सभी सारे सारे समाज को लेके चलिएगा तभी आप नेता हैं। डोम से लेके ब्राह्मण तक को आपको लेके चलना होगा। क्या दलित अछूत है कि मैं उनके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा? लोकसभा में ज्वाइनिंग के बाद कहाँ से तैयारी रहेगी, रघुनाथपुर या बढ़तिया? जहाँ से पार्टी चाहेगी वहाँ से लड़ा दे। आज आप जेल से बाहर आए और बाइज्जत बरी होकर बाहर आए, ये एक बड़ी बात है, क्या कहेंगे आज बाहर आने के बाद? बाहर आने का एक अलग ही खुशी होता है और इससे ज़्यादा हमारे समर्थकों में खुशी है। अपने समर्थकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी दिन रात मेहनत कर हमें बाहर निकालने का प्रयास किया और मैं बाहर निकला। सबसे पहले है कि हम लोग को हमेशा इन लोग जो हमारे विपक्षी गुट हैं, किसी ना किसी केस में कहीं कुछ होता है, था रईस खान खान ब्रदर्स, ये सिस्टम बन चुका है, कोई घटना हो तो खान ब्रदर्स को फंसा देना है। और न्यायालय से हर बार हम लोग बाइज्जत बड़ी हो जाते हैं, हर बार, एक ही बार, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जेल गए, फंसा के भेजा लोग, सारे केस में बाइज्जत बड़ी हो क्या है, इस बार भी बाइज्जत बड़ी हो क्या है। और न्याय पर ऊपर वाले पे भरोसा है, परेशानी एमएलसी का चुनाव जब लड़ गए तो सारे खेमा में अलग तरह की बेचैनी पड़ गई, खलबली हो गई। और सब लोग जानते हैं आप लोग, थोड़े ही माइनर वोट से हम चुनाव हारे, उसके बाद आप लोगों को मालूम है गोली भी चला, उसके बाद झूठा एक दो नहीं तीन चार मुकदमा पर रईस खान को फंसाया गया, एक टारगेट बना दिया कि रईस खान को खत्म, चाहे खान पर दोस्तों खत्म ही कर देना है, जिसको ऊपर वाला बचाएंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं? न्याय से बाइज्जत बड़ी हुए हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, अपने गांव में हैं, मदरसा में हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है और इससे ज़्यादा हमारे समर्थकों में खुशी है। और समर्थकों का एक राय मीटिंग हम लोगों का बनेगा, एक रणनीति बनेगा, आगे हम लोग क्या करना है उसी पर हम लोग अपना विचार करेंगे। एक अवैध वसूली को लेकर के एक एफआईआर दर्ज हुआ है, दो महीना पहले ही आप निकलने वाले थे लेकिन एक अवैध वसूली को लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ, क्या मामला था पूरा? देखिए मामला था कि रईस खान को निकलने ही नहीं देना है, अब जेल में रईस खान अवैध वसूली जेल से कराएंगे? आप बुलाते हैं गाड़ी ओनर को कि चुनाव में गाड़ी हमको चाहिए, थाना बुला के उनको धर के भेज देते हैं, एक शरीफ आदमी को जेल भेजते हैं, उसी के बयान पर रईस खान का अवैध वसूली करवा रहे हैं। तो आप लोग को भी तो लगता है कि ये झूठा केस है, उसमें तुरंत न्याय हमको बेल दे दिया, उसके उसमें तुरंत बेल हो गया हमारा, तो एक फैक्टर था कि किसी तरह इनको रोका जाए, निकलने नहीं दिया जाए, चुनाव से पहले नहीं निकले। क्या माना जाए कि जिन लोगों ने आपके ऊपर एमएलसी चुनाव के बाद गोली चलवाई
साजिश उन्हीं लोगों की है, आखिर कौन बार बार फंसाता है? जो विपक्ष है अब जो गोली चलवा रहा है, हैं? तो गोली क्यों चलवा रहा है भाई, कि अपने विरोधी को खत्म करने के लिए ना, तो वो हर तरह का अंडा अपनाएगा ही कि किस तरह से उस खान बर्दस को डैमेज कर दिया जाए। मगर खान बर्दस चट्टान की तरह है, जब तक मालिक नहीं ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, ना कोई बिगाड़ सकता है। अवैध वसूली का, उसमें किसकी साजिश रची गई, किसके द्वारा रची गई साजिश? अब रचने वाला का नाम हम से क्यों खुलवा रहे हैं? आप लोगों को मालूम नहीं है विरोधी का काम है कि उसको फंसाना है, किसी को डैमेज करना है, तो हर आदमी का एक विरोधी होता है। तो आज एक नई ऊर्जा के साथ अब खान ब्रदर्स की टीम आगे बढ़ेगी समर्थकों के साथ? जरूर। तैयारी कहाँ से रहेगी, किस विधानसभा से? अब जहाँ से अभी तो सिवान का हर विधानसभा में गांव टू गांव, एक एक गांव का दौरा करना है हमें, और वहाँ के जनता का जहाँ से हम लोग का प्यार मिलेगा ज्यादा वहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुरक्षा का दृष्टिकोण से अब मालिक ऊपर वाला सुरक्षा कर ही रहे हैं, और नहीं करते तो हम रहते नहीं हैं। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, सुरक्षा अगर प्रशासन को लगता है तो देगी, और नहीं लगता है तो नहीं दे। अच्छा एक सवाल, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद चर्चा हो रही थी कि रईस खान जेल से बाहर आ रहे हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये आप ही बखूबी बेहतर बता सकते हैं, क्या मामला था पूरा? देखिए मामला, कुछ मामला जो है अभी अस्थिर ही रखा जाए, उसको पेंडिंग में रखा जाए, समझे? ये राजनीतिक मामला है, अभी समय आने दीजिए, आज समय पर इस पर बात होगी। समर्थकों से राय के बाद उसका खुलासा हुआ कि आगे की रणनीति, हाँ आगे की रणनीति क्या बनेगी, योजना में ज्वाइनिंग कब तक हो रही है? देखिए इस पर अभी हम लोग कोई राय, अभी सहमत नहीं, भाई से भैया से भी बात अभी तक मिले हैं, उस पर भी कोई बात विशेष रूप से हुआ नहीं है। दोनों भाई का निर्णय जो हो, मान लें कि हम लोग बैठ के निर्णय निकालेंगे, जो गार्जियन है उस पर अमल किया जाएगा।